शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी। हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। हमारी दुनिया दौलत और मौत का वो चक्रव्यूह है जिसमें एक बार दाखिल हो जाओ तो कोई वापसी नहीं। नहीं चाहिए हमें वो कमाई जिसके पैसे पैसे में से बेगुनाह इंसानों का लहू टपक रहा हो। हमारा बच्चा इस जुर्म की दुनिया में नहीं पैदा होगा। गिर हिम, तेरे सारे कुत्तों को मैंने मार दिया मगर वो राजू को कुछ नहीं कर सके। ये तुम्हें क्या हो गया राजू? जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। काजल, तुम क्यों आए हो यहां? बाबा जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझसे शादी करके बहुत खुश रहेगी। बाबा जी बहुत खुश रहेगी। खुश रहेगी? तेरे साथ, एक मुजरिम के साथ? अब मैं मुजरिम नहीं रहा बाबूजी। मैंने सबको छोड़ दिया है। काजल ने मुझसे सबको छुड़ा दिया। उसी ने मुझे ये नई जिंदगी दी। काजल, तुम ही बताओ ना बाबूजी को कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। चले जाओ यहां से। क्या? हम कहते हैं चले जाओ यहां से, दोबारा यहां कभी नहीं आना। गो अवे। मत सताओ हमें। आखिर तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है? रिश्ता विश्ता मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। आई सेड लीव मी। मत भूलो कि मैं एक इज्जतदार खानदान की बहू बनने जा रही हूँ। हमारी शादी हो रही है उस लड़के से जिसे हमारे पिता ने चुना है, हमने चुना है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था? और सच ये है कि आज तुम किसी और की बनना चाहती हो? काजल, मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me. हम किसी दूसरे की अमानत हैं। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें।
तू एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है बेटी। मैं तेरा घर हमेशा हंसता बसता देखना चाहता हूँ बेटी। राजू को कभी भी मेरा विश्वास कीजिए पापा, मेरा गुजरा हुआ कल, मेरे आज और मेरे आने वाले कल को कभी नहीं छू पाएगा। मैं पत्नी धर्म की हर मर्यादा को निभाऊंगी। झूठ कहते हैं लोग कि बेटी के पैदा होते ही बाप के कंधे झुक जाते हैं, तो जैसी बेटी को पाकर मेरा सर गर्व से ऊंचा उठ गया। जा, खुश खुश जा और खुशियां बांटते हुए वापस आ। Hi, honey. Hi. 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 And meet my wife. Oh, she's Kajal. Kajal. Oh, she's Kajal. Yes, she's Kajal. She's beautiful. Yeah. Very cute. Lovely girl. She's quite nice. My wife, my love. Jiska maine saalon tak intezar kiya. Ye mic mujh pe hasta tha. Kehta tha koi ladki kisi ka saalon tak intezar nahi kar sakti. You're wrong, my friend. She's my wife who waited for me for 10 years. I'm on my honeymoon, guys. I gotta go. So you gotta go when you gotta go, right? ये लोग मुझे कैसे जानते हैं? अरे सच्ची मोहब्बत का गुलाल है, उड़ेगा तो पूरी दुनिया में फैलेगा ही ना। क्यों? आओ काजल, ये है मेरी मामा। जब मैं बहुत छोटा सा था ना, ये मुझे छोड़ के चली गई। दिन की रोशनी में भी इस घर में अंधेरा छाया रहता, और इस अंधेरे में एक अकेला सहमा हुआ बच्चा जिससे ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता, और वो चीखता, मामा वापस आ जा, मामा वापस आ जा। तब उस अंधेरे में रोशनी की किरण बोलती, बेटा काजल को इस घर में जरूर लाना, वो तेरी जिंदगी में खुशियों की बहार बनकर इस घर में आएगी। मैं अपने खाली दिल में तुम्हारी तस्वीर सजाकर इंतजार करने लगा। ये इंतजार मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी का आलम बन गया, और आज तुम इस घर में, ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी को मायने मिल गए, मेरी खुशियां फिर से आबाद हो गई। नहीं नहीं, रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उम्र का इतना लंबा अरसा हमने एक दूसरे के इंतजार में बिता दिया, अब बाकी का हिस्सा इस मोहब्बत के लंबे सफर में बिताना है। हाँ, आज के बाद हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, यहां से भी नहीं। Fantastic, भाई साहब, मैंने राजू को इतना खुश कभी नहीं देखा है। अरे इससे भी ज्यादा खुशी तो तुम्हें उस दिन होगी रमा, जब हमारा राजू हमारे कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाएगा। मगर भाई साहब, जिस दिन राजू को हमारे कारोबार की सच्चाई का पता चलेगा, नहीं नहीं, नहीं क्या नहीं, होगा? कुछ नहीं होगा रमा, आखिर वो हमारा खून है, जो रास्ता हमने उसके लिए चुना है उससे पीछे वो कभी नहीं हटेगा। You're right, मामा जी, दे दिया ना झटका।
तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे बेटा। भाई अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तो तुमने संभाल ली, अब हमारे कारोबार की बागडोर भी तुम्हारे हाथ सौंप रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। डोंट वरी मामा जी, राजू हर काम इंतहा की हद तक करता है, मोहब्बत की तो इंतहा तक, और अब बिजनेस भी संभालूंगा तो एकदम मोहब्बत की तरह। शरारती कहीं का। वेलकम बेटे। फैंटास्टिक। आज के बाद तुम इस ऑफिस से अपने फैसले और हुक्म जारी करोगे। इट्स ऑल योर्स। कम अलोंग बेटे। अरे बैठो बेटे। कैसा लग रहा हूं डैड? ये कुर्सी, ये फैक्ट्रियां तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि उस तरक्की की तरफ उठा पहला कदम जहां एक बहुत बड़ा एम्पायर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डोंट वरी डैड, मैं बहुत मेहनत करूंगा उस एम्पायर को बहुत जल्द हासिल करके उसे इतना ताकतवर बनाऊंगा जिससे मैं सारी दुनिया जीत सकूं। बस मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अरे मैं चाबी अंदर भूल गया, अभी लेके आया। टाइम पास, इधर आ। कैसा है रितु, ये क्या हाल बना रखा है तूने? और करण भाई का नहीं पूछोगी? क्या पूछो, शायद जिंदगी ने ये हक मुझसे छीन लिया है। दे देना झटका। क्या सोच रही हो, तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? कुछ नहीं, चले। ऑफ कोर्स, द नाइट इज स्टिल यंग, लेट्स पेंट द टाउन रेड। लेट्स गो। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। आज मुझे आपको अपना बाप कहते हुए शर्म आती है मिस्टर रमाकांत सहाय। तुम्हें शर्म आने लगी है मुझे अपना बाप कहने में, क्योंकि मैं गैर कानूनी काम, ड्रग्स, हथियार, मौत का व्यापार करता हूं। देशद्रोही हूं मैं। हां मैं हूं, देशद्रोही हूं मैं, देशद्रोही हूं मैं। अब राज खुली गया है तो सुन, हमारी दुनिया दौलत और मौत का वो चक्रव्यूह है जिसमें एक बार दाखिल हो जाओ तो कोई वापसी नहीं, समझे? तुम इस दुनिया में दाखिल हो चुके हो मिस्टर राजनाथ सहाय। अब कैसी तबीयत है काजल की? घबराने की कोई बात नहीं है राज, ऐसी हालत में अक्सर ऐसा होता है। क्या मतलब? मां बनने वाली है, ख्याल रखा कीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ। दे
दे ना झटका। अगर आज तुम बेहोश नहीं होती तो इतनी बड़ी बात का मुझे पता नहीं चलता। हाँ, अगर आज हम बेहोश न होते तो इतनी बड़ी बात हमें भी ना पता चलती। मां बनकर पूरी औरत बन गई हो, पहेलियां भी बुझाने लगी हो। इसी चीज की कमी थी। अब देखना, मैं कोई कमी रहने नहीं दूंगा। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे सब कुछ दे दूंगा, अपनी हर कीमती शय। नहीं, क्या क्या देना चाहते हैं आप? जुर्म और कतर से कमाई हुई ये दौलत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें वो कमाई जिसके पैसे पैसे में से बेगुनाह इंसानों का लहू टपक रहा हो। काजल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब मुझसे अनजाने में हुआ है। अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरों की जान लेने में आप हिस्सेदार तो बने, और आपके साथ साथ हम भी इस पाप में शामिल हो गए। इस महल की छत के नीचे रहती रही, जिसके हर एक ईंट के नीचे एक लाश दबी हुई है, इस मुर्दा घर में गूंज रही चीखों से हमारा दम घुटता है दम। आखिर हमारा कसूर क्या है? कसूर ना मेरा है ना तेरा, कुसूर हमारे दामन का है, जिसमें फूल भी गिरे तो कांटे बन गए। मैंने कुछ नहीं किया काजल, कुछ नहीं किया मैंने। अरे आपने तो हमारे जीने का मकसद ही चुटला दिया राजू। मां बनने से पहले ही हमारे दूध में जहर घोल दिया, हंसने हंसाने की बातें करते करते हमें इतना रुला दिया कि आंसुओं के सैलाब में हमारे प्यार का आशियाना ही बह गया। और ये हमारी कोख में पल रही इस नन्ही सी जान को हम ऐसी दुनिया देंगे जिसमें पलकर वो एक देशद्रोही दरिंदा बनेगा, और हम होंगे उस दरिंदे की बदनसीब माँ। एक दिन लाशों के ढेर पर बैठे हुए हम अपने बच्चे के शरीर पर गोलियां उतरते देखेंगे। अगर जुर्म की दुनिया का अंजाम ऐसी ही दर्दनाक मौत है तो इसे जिंदगी देने का क्या फायदा? नहीं, नहीं चाहिए हमें ये बच्चा, नहीं चाहिए हमें ये बच्चा, नहीं चाहिए हमें ये बच्चा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं काजल, नहीं, नहीं काजल, बस करो काजल, बस करो, नहीं चाहिए, नहीं काजल, नहीं, बस करो काजल। मैं छोड़ दूंगा ये दुनिया, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं अपने बच्चे को उसकी विरासत में वो नहीं दूंगा जो मुझे मेरे बाप ने दिया है। उसकी विरासत में होंगे तेरे सपने, उसकी विरासत में होंगे मेरे सपने जो हम दोनों ने मिलकर संजोए। मैं वादा करता हूं काजल, मैं वादा करता हूं हमारा बच्चा इस जुर्म की दुनिया में नहीं पैदा होगा, हमारा बच्चा इस जुर्म की दुनिया में आंखें नहीं खोलेगा, नहीं खोलेगा आंखें। तुम भी कमाल करते हो रमाकांत, 4 महीने हो गए राजू को घर छोड़े हुए और तुम मुझे आज बता रहे हो। कॉमन सेंस की बात है चौधरी साहब, राजू के सिर्फ एक सिग्नेचर ना होने की वजह से हमारा करोड़ों का माल बीच समंदर अटका है, जल्दी नहीं निकाला सोना मिट्टी होते देर नहीं लगेगी। ऐसा हो गया तो हमारा सारा धंधा फिक्स हो जाएगा, है ना पिताम्बर भाई? रहता कहाँ है वो, अपने ससुराल के यहाँ? नहीं, एक बस्ती में किराए का मकान है। क्या, हमारा वारिस एक मामूली सी बस्ती में रहता है? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि शादी ब्याह करो तो अपने बराबर के घर में, यहीं पर गलती कर गए तुम। मैं क्या करूं भाई साहब, वो तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। गजन, राजू से कहो हमसे आकर मिले।
रानी तस्मै सदा तस्मै सदा ओम शांति शांति शांति। राजू लगता है कि हमसे तुम कुछ नाराज हो। देखो बेटा, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है, और फिर आजकल के जमाने में ये असूल, आदर्श, ईमानदारी की बातें, ये सब इंसान को कमजोर बनाती हैं। तुम तो समझदार हो, तुम्हारा एक छोटा सा घर है, एक नेक पत्नी है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। मैं भी तुम्हारी मामी से बहुत प्यार करता था, आज उसी का श्राद्ध है। जब तुम्हारी मामी का स्वर्गवास हुआ तो उसकी कोख में मेरा वारिस था। अगर वो होता तो आज तुम्हारी उम्र का होता। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी मामी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वो एक्सीडेंट मैंने करवाया था। वो मेरे कारोबार के रास्ते में आने लगी थी। मैं नहीं चाहता कि कल फिर से वो एक्सीडेंट हो। तुम ये बस 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 बस, अगर एक लफ्ज और कहा तो इसी हवन कुंड में मैं तेरा अंतिम संस्कार कर दूंगा। कजराज चौधरी, ध्यान से सुन, मेरा और मेरे परिवार का तेरी इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। कॉमन सेंस की बात है, आज जो खून अपने खून के लिए पानी हो सकता है, कल हम सबके लिए जहर भी बन सकता है। इतने सालों की मेहनत से बनाई हुई सल्तनत को क्या आप मलबे का ढेर बनता हुआ देखना चाहेंगे?
काजल मैं जा रहा हूँ। राजू जाना मत, हम आ रहे हैं। ओहो काजल, I'm getting late यार। एक मिनट प्लीज। ओहो क्या बात है, अरे अरे ये क्या कर रही हो? आज करवा चौथ। ओहो अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे कम ऑन यार, आफ्टर ऑल आई एम पत्नी व्रता हस्बैंड यार। हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज नहीं होता। तुम हिंदुस्तानी औरतें भी बड़ी अजीब होती हो। अच्छे भले आदमी को भगवान बना देती हो। एक औरत के लिए उसका सुहाग ही भगवान होता है ना? ए, अपने इस भगवान को भोग नहीं लगाओगी? हम्म, क्यों तो हम ही लगा देते हैं। क्या क्या? मगर सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा मिस्टर। ओह यू मीन गिफ्ट, नो प्रॉब्लम, श्योर श्योर, अभी लाया। यू गया यू आया। ए काजल, तुम भी क्या याद करोगी किस गरीब से पाला पड़ा है? हाँ चाहते हो तुम? हाँ, किसे मारना चाहते हो? नहीं, नहीं, तुम ऐसा कुछ तो करना, तुम ऐसा कुछ न करना, तुम ऐसा कुछ न करना, राजू। देखते तो मेरी आंखें ही पतरा गई थी। मैं तो तेरे दीदार के लिए ही जिंदा थी शायद। अब इन बाहों में मेरा दम भी निकल जाए ना तो कोई परवाह नहीं। ए, ऐसे क्या दिख रहा है? हो गया, कीमत ली है तूने। तो तू उसे नहीं मारेगा? ठीक है, तू नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा। तो समझो वो मर गया।
ये अच्छा नहीं किया, ये करण ने अच्छा नहीं किया पीताम्बर। हमारे हथियार ने हमारे ही आदमी को मार डाला, ये उसने अच्छा नहीं किया। वो क्या समझता है हमारे खिलाफ उसकी ये बगावत राजू की जिंदगी बचा पाएगी? नहीं, वो तो जरूर मरेगा। और जो कोई भी राजू और उसकी मौत के बीच में आए उसे भी उड़ा दो। राजू ये ले ले। काजल, क्या हुआ काजल? आज का जाम उस कमबख्त के नाम जो हमारे बहुत मना करने के बावजूद भी हमें छोड़ गया। चीयर्स। क्या चाहता है तू? क्या चाहता है? मौत, मौत चाहता है तू? तेरे सारे कुत्तों को मैंने मार दिया मगर वो राजू को कुछ नहीं कर सके। वो जिंदा है, तेरा कोई भी बारूद कोई भी हथियार उसे मार नहीं सकता। आज के बाद तेरी हर सांस के पीछे मैं मौत बनकर खड़ा हूं। बताएगा कहाँ है वो हरामी? कहाँ है? कहाँ है? कौन सा तेरी बेरी के बेर तोड़ लीजिए, तोड़ फोड़ करके यहाँ चला आया? अभी तोड़ता हूँ तेरे हाथ पैर को। तू बड़ा खुश नसीब है इंस्पेक्टर कि तूने पियाजी पे हाथ भी उठाया तो उसके छत के नीचे। अगर यही बदतमीजी तूने बाजार में की होती ना तो हिजड़ा अपनी औकात पे आकर तेरी खोखली मर्दानगी के छक्के छुड़ा देता। पियाजी इंस्पेक्टर आइए आइए। इस मंडली में आप ही की कमी थी। तेरा जिसके साथ टांका भिड़ा है वो तो अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझता है। सरे बाजार 12 लोगों का काफी कर दिया, वो तो पकड़ा जाएगा और तू उसे छुड़ाने भी आएगी। लेकिन इस बार अपने साथ 4 आदमियों को लेकर आना उसकी लाश को कंधा देने के लिए। इंस्पेक्टर
अपनी ताकत के गुरूर में ऐसी कोई हरकत मत कर बैठना कि बाद में तुझे पछताना पड़े। इसे नसीहत नहीं, मेरा मशवरा समझना, क्योंकि 100 कुत्ते मिलकर भी खुले शेर का शिकार नहीं कर सकते। ले जाओ सालों को। What's wrong? अब क्या हुआ? वहाँ, उधर छत पर। कोई भी तो नहीं? हाँ मखा डर रही हो, मुझे भी डरा रही हो। नहीं राजू, अभी अभी कोई बात था, हमें बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत खतरा है, तुम्हें भी, हमें भी, और इसे भी, हम ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। ये शहर छोड़ दे, फिर ये मुल्क छोड़ दे, और फिर ये दुनिया। काजल, खतरों से डर के भागने वालों के कदमों तले तो ये जमीन भी अपने हाथ नहीं रखती, और अगर वाकई में कोई खतरा है तो मैं इसी घर को अपना मोर्चा बनाऊंगा तुम्हारे लिए, अपने लिए। अपने होने वाले इस बच्चे के लिए। ये जंग मैंने नहीं मांगी थी काजल, मैंने तो कभी पलट के उनकी तरफ देखा भी नहीं। इस जंग की शुरुआत उन्होंने की है, लेकिन अब अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। क्यों करण भाई, आखिर इतनी सारी गोलियां, कहीं अखा शहर उड़ाने का इरादा तो नहीं? करण, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, तेरी जान को बहुत खतरा है रे, मैं तकदीर चली कहां छुपाऊं तुझे, जहां तू महफूज रह सके। पुलिस आई थी, तेरे दोस्तों को पकड़ कर ले गई, वो इंस्पेक्टर पागल कुत्ते की तरह तुझे ढूंढ रहा है, कह रहा था तूने सरेआम कई लोगों का कत्ल किया है, वो तुझे जान से मार डालने की धमकी देकर गया है। ये गजराज की चाल है, मुझे हटाकर उन मासूमों की जान लेना चाहता है। करण, क्यों उस रास्ते पर चलते हो जहां मौत बिछी है? मैं मौत को वहीं रोक दूंगा ताकि उनकी जिंदगी को कोई छू ना सके। तुम भी सच्चे, हम भी सच्चे, इस इश्क में सच का रोना है, लेकिन आज मैं रोऊंगी नहीं, मैं तुझे रोकूंगी भी नहीं। आज तुलसी दुआ करेगी कि इस जंग में जीत तेरी हो, जा तेरा रब राखा। Thank you.
उधर जा। नहीं होगा तुम्हारे राजू को। जब तक मैं जिंदा हूं तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। करण, हमें माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं वहां देर से पहुंचा, वरना गजराज के आदमी राजू को छू भी नहीं पाते। इतने गलत थे हम, आज तक हम यही समझते रहे कि तुम हमारे सुहाग को उजाड़ना चाहते हो, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि तुम हमेशा अपनी जान को खतरे में डालकर हमारे सुहाग को बचाते रहे। हम उसे ही दुश्मन समझते रहे जो हमारे लिए मसीहा था। हम मानते हैं
हमने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, लेकिन उस वक्त हम ऐसे दो राहे पर खड़े थे जहां हमें अपने पापा की जिंदगी और तुम्हारे प्यार में से किसी एक को चुनना था। पिता की जिंदगी को बचाना हमारा फर्ज था, हमने उसे अपना धर्म समझकर निभाया, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ हमारा रिश्ता टूट गया। हमारे बीच जो कुछ भी था उसे भूल जाओ, वो गुजरा हुआ कल था। मुझे तो आज एहसास हुआ है कि मैं जिंदा क्यों हूं। राजू, दीदी ना चटका। शुक्र है भगवान का आपको होश आ गया। शुक्रिया दोस्त, आज तुम्हारी वजह से काजल मेरे साथ है। थैंक यू। ये क्या जख्म? लगता तुम्हें जख्मों की आदत सी हो गई है, लेकिन अगर जख्म पुराना हो जाए तो नासूर बन जाता है। चौधरी साहब, चौधरी साहब, सब बर्बाद हो गया। क्या हुआ? और तुम्हारा भांजा राजू, हम सब तो फिक्स कर गया। डॉक्स का सारा माल फूंक दिया साले ने। आग से खेलने का बहुत शौक है ना उन्हें। अब देखना, जो आग उन्होंने लगाई है उसी आग में आज मैं उनकी चिताएं जलाऊंगा। नहीं भाई साहब, भाई साहब, राजू को माफ कर दीजिए। वो आखिर वो हमारा बच्चा है, और उसने जो भी गलती की होगी उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। गजराज चौधरी के असूलों की किताब में ऐसी गलती की सजा मौत है, सिर्फ मौत। डेस्टिनी, तकदीर, किस्मत कुछ नहीं, शतरंज की बिसात है और हम सब सिर्फ मोरे। कमाल का खिलाड़ी ऊपर वाला, उसके एक इशारे से रिश्ते बनते हैं, बन के टूटते हैं और हम सब बिखर जाते हैं। सिर्फ एक चीज है जो हम सबको हम सबसे जोड़े रखती है, वो है मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत। दोस्त, अगर इस दुनिया में मोहब्बत ना होती तो कुछ भी ना होता। मुझे आज पता चला है कि तुम मुझे क्यों बचाते रहे। राजा, जिस दिन से मैंने इसके गले में मंगलसूत्र डाला है, इसने उसे धर्म मान के निभाया है। पत्नी बनकर यह सिर्फ एक हिंदुस्तानी औरत ही कर सकती है। काजल, मैं तुम दोनों की अतीत की इज्जत करता हूं। इस छोटी सी दुनिया में तुम बहुत बड़ा दिल रखते हो दोस्त, ये सब तो कोई एक देवता ही कर सकता है। पत्थरों की इस दुनिया में देवता बनना तो बहुत आसान है, इंसान बनना बहुत मुश्किल। तुम एक नेक इंसान हो राजू। काजल, अगर हमारे यहां बेटा हुआ ना तो हम उसका नाम करण रखेंगे। हे, तुम रो क्यों रही हो? अगर तकदीर हमारी दुश्मन हुई तो क्या हुआ, हम तो एक दूसरे के दोस्त हैं, हम संभालेंगे एक दूसरे को। देखा ना, भूल गई, आज तुम्हारा जन्मदिन है। काजल, आज रोने का नहीं, हंसने का दिन है। ए आंसू, मेरी काजल को रुलाना नहीं। अगर तुझे इस घर में आना ही है तो खुशी का हाथ थाम के आना, वरना नो एंट्री फॉर यू, समझे?
राजू।
जल्द से ही। काजल आज भी हमारे साथ है।